ये जो आप हम आ गए हैं मेन रोड पे और ये आपको दिखा सकते हैं कौन सा आपकी रैली आ गई जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने और बड़ी मुश्किलात काट के आई है ये रैली क्योंकि जगह जगह पे इनको मोड़ा गया है कि रास्ता बंद है तीन जगहों से हम इनके साथ आए हैं और ये रैली जा रही है आप देख सकते हैं। ये बेलास नाजिर आप सिर्फ ट्रेवल डेरिस पे देख सकते हैं। ये देखिए जनाब ये देखिए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सामने कश्मीर हाईवे के मनाजिर और ये मीडिया की टीम्स भी खड़ी हुई है जगह जगह पे ये आप देख सकते हैं। इसकी बैक साइड पे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है और आवाम का जमे वकील मैं आपको दिखा दूँ। एक जो मजे की बात लगी जितने ये वाले पुल आए हैं इनके ऊपर से गुलाब के फूल फेंके गए हैं। खान साहब की रैली चल पड़ी है, वकील भी है इस रैली के अंदर आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा भी आगे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, वो इस्लामाबाद पुलिस भी खड़ी हुई है, वो देखिए इस्लामाबाद पुलिस भी खड़ी है। कश्मीर हाईवे के मुलाजिर हैं ये और वो सामने मीडिया की टीम भी खड़ी हुई है। और ये आज़ादी के नारे लग रहे हैं शायद इस निज़ाम से जो इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है अमेरिका के कहने पे, उस चीज़ से आज़ादी और आवाम काफ़ी साथ है। ये मुलाज़िम आप देख सकते हैं ये खान साहब की रैली कश्मीर हाईवे के ऊपर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही है और जुलूस की शक्ल कह लें पेशी पे आए हैं लेकिन जुलूस आया है। ये ड्रोन भी कवरेज कर रहा है यहाँ पर और ये आप देख सकते हैं लोगों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग आए हुए हैं। ये सब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं।
कई कबीले का झंडा भी नजर आ रहा है जी, लगता है तगुर गाजी भी आ गए हैं। वो ब्लू कलर का झंडा कई कबीले का, अगर आप देख सकते हैं मैं ज़ूम कर दूं, ये कई कबीला। बहुत बड़ा हजूम है इस रैली का। ये देखें जी मीडिया के कैमरामैन, क्या हो गया, पथराव शुरू हो गया जी और लोग वापस जा रहे हैं। सुनने में आया कि पथराव किया गया है। आंसू गैस, ओ भाई मुरासियों को बचाओ। चलो भैया चलो, आंसू गैस की शेलिंग और लोग वापस भागे हैं। हमारे कामी भाई आंसू गैस की शेलिंग हुई, सर क्या कहेंगे? जुल्म हो रहा है, सब किस्म की शेलिंग हो रही है और आवाम की इन्होंने और सख्त ज्यादती हो रही है जनाब। ठीक है, सांस नहीं लिया जा रहा, सांस लिया जा रहा जिनसे। ये लोगों की हालत गैर, और ये देखें जी मैं खुद लोले में से बस तैर के, क्या बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, औरतों को भी, बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, ये बुजुर्ग को भी नहीं छोड़ रहे हैं। ये कैसे लोग हैं? ये आवाम ने धुआं आग लगा दी जिसका धुआं आ रहा है आंसू गैस का असर कम करने के लिए, और बाकी मुलाजर आपको मैं दिखाता जा रहा हूँ। अभी बड़ी मुश्किल हुई है जी, टीयर गैस थोड़ी सी चढ़ी थी लेकिन ग्लासेस से बचा लिया। और जब भी ऐसे किसी प्रोटेस्ट में आए तो पानी लेके आए, क्यों सर? सही बात है ना, टीयर गैस बहुत बुरी चीज है। अभी ये चलेगी अंदर पेशी के लिए या नहीं आएगी? अभी ये गाड़ियां कुछ वापस जा रही हैं। ये बीच में नाला है, इस नाले की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जब भगदड़ मची है तो लोग बेचारा जो थे बीच में छलांगे मारी है। ये खान साहब लोगों को कह रहे हैं कि वापस आओ, वापस आओ, क्यों जा रहे हो, वापस आओ। सर क्या कहना चाहेंगे? ये जो हुआ है कोई स्टेटमेंट? कुछ भी नहीं, लगता है ये भाई नहीं देना चाहते स्टेटमेंट। चले कोई नहीं, मैं आपको बैक साइड भी दिखा दूं। ये G13 की बैक साइड है सारी। ये लोग यहाँ पे देखें किस तरह खड़े हैं, आगे पीछे हर जगह मुनाजिर आपको दिखा रहा हूँ। ये मेट्रो स्टेशन, ये आपको मुनाजिर दिखाते फिर रहे हैं। रोला रप्पा शुरू हो चुका है जी, और टीयर गैस के बाद से वो ब्लॉकेज हुई हुई आगे, और उस ब्लॉकेज पे क्या हो रहा है जूम करके दिखाते हैं आपको। चुपरी से यहाँ पे कंटेनर लगाए थे, मेरा ख्याल है वाम कंटेनर तक पहुंच गई है। अब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर ये लोग जाते हैं नहीं जाते कोई पता नहीं इसका, लेकिन यहाँ पे बहुत हालात नासाजगार हो चुके हैं, हालात बहुत नासाजगार हो चुके हैं। वो सामने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स है, ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की, और आवाम कंटेनर के ऊपर से जा रहे हैं जी। यहाँ पर अभी पुलिस ने शेलिंग की है जी पीटीआई वालों के ऊपर, और लोग काफी यहाँ से आगे पीछे हुए हैं क्योंकि शेलिंग हुई है। और हमारे वो देखे अभी भी शेलिंग आगे, उसके साथ ये बहुत बगारा लोग हैं, ये बगारा लोग हैं, बहुत शेलिंग हुई है। हम ये